श्री गणेशाय नमः। श्री करवा चौथ पूजन। एक साहूकार के सात पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से यही बात दोहराई। उसकी भाभियाँ इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों ने उस कन्या ने ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव उस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्यदान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इससे अनंतर चार बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर के व्रतजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में वह व्रत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्तिभाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। बोलो करवा माता की जय।